बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों को। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत श्रद्धा से लोग इसको मनाए जाते हैं और ये भी कहते हैं कि दिल से जो भी आप मांगते हो आपको मिलता है। तो आने के लिए हमको नॉनवेज खा के हम नहीं आ सकते, तो मैं भी उठ के नहा धो के सिर्फ वेज खा के आया हूँ, प्रॉपरली आरती पे आया हूँ मैं, तो आरती हुई है। आई विश एवरीबडी अ वेरी गुड लक विथ दिस फेस्टिवल। अरे पहले भी आपने कभी आरती वगैरह कुछ? नहीं, मैंने नहीं किया, दिस इज ये पहला साल है जो मैंने किया है। लास्ट ईयर मैं करना चाहता था, ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया था, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ये आरती हुई है। हाउ वाज एक्सपीरियंस फॉर यू? इट वाज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस, इट इज समथिंग बिटवीन मी एंड गॉड, तो बहुत अच्छा रहा। आदिल जी आप क्या कहेंगे? आदिल जी यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत सारे मतलब होते हैं जो लोग नहीं फॉलो करते, मैंने आदिल को जस्ट एक कॉल किया एंड आदिल वाज सो हैप्पी कि नहीं आई वांट टू कम एंड आई वांट टू अटेंड द आरती एंड द वे ही इज कैरिंग हिज सेल्फ, आई वाज शॉक्ड रियली, कम्प्लीटली इंडियन, मतलब मोस्टली पीपल डोंट डू दैट। तो थैंक यू सो मच आदिल, आप आए एंड आई विल प्रे, लाइक दिल से मैं इनके लिए इस साल प्रे करना चाहती हूँ कि जिन भी प्रॉब्लम से ये निकल रहे हैं ना उनसे जल्दी इनको छुटकारा मिल जाए बिकॉज दिस इज़ रियली डिसास्टर इन हिज लाइफ। तो आई प्रे कि जब नेक्स्ट गणपति आए तब तक ये हर चीज़ से जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आई हुई है वो सब खत्म हो जाए एंड ही विल लिव वेरी हैप्पी एंड फ्री लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी दैट। और देखो मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं, हम सबको मिल के रहना चाहिए, हमको कोई अधिकार नहीं होता रिलीजन्स के साथ खेलने का, हमको कभी भी रिलीजन को ला के खेलना नहीं चाहिए। वॉट एवर, जब हम एक हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं हमको हर एक रिलीजन हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है और हर त्यौहार हमको मिल के बनाना चाहिए। गणपति हो गए, दिवाली हो गया, वॉट एवर, हर 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 फेस्टिवल, ईद, हर फेस्टिवल को हमको मिलजुल के ही बनाना चाहिए। ये सोच हर कोई नहीं रख सकता, मतलब ये बहुत बड़ी सोच है और इस सोच से हमें ये पता चलता है कि किस तरह के ये इंसान है। तो जिस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता मैं गणपति पे उन सब चीज़ों के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बात करूँ, बट मैं इतना कहूँगी जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप इंसान को ना उसके थॉट से जज करो। एलिगेशंस लगाना, कुछ भी गलत करना बहुत आसान है, बट आपकी ना थोड़ी सी बेवकूफ़ी किसी की पूरी ज़िंदगी खराब कर सकती है। तो थोड़े से पीआर प्रमोशन या कंट्रोवर्सी में बनने के लिए ना प्लीज़ किसी की ना ज़िंदगी के साथ मत खेलो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अरे जी, ये गणपति जो है सुख करता है दुख हरता है, तो कौन सा दुख है जब सोचते हो तुरंत हट जाए मेरा? जैसे एक दुख वो तो लोगों को पता है मुझे, आई डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई दैट बिकॉज मैं किसी के घर पे गणपति पे आया हूँ और डू नॉट वॉन्ट टू टॉक। अभी जो भी हमारे पर्सनल चीज़ें हो रही है वो आप सबको पता है, बट एंड ऑफ द डे शाम में है उसका वक्त की बात करने का, सिर्फ उसके ही बारे में मैं बात करूँगा। तो कुछ ऐसे लोग भी है जो बहन राखी बांध के भी कहीं और चले गए थे, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे सरिन चोपड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए मेरे तरफ से, उनके तरफ से क्या है मुझे नहीं पता है, मेरे तरफ से तो वो मेरी बहन है, मेरी राखी सिस्टर है, वो जब भी उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं हर हमेशा खड़ा रहूँगा। इस तरह से लोग जो जब करते हैं तब आपका क्या माइंड होता है, क्या लगता है? नहीं, कुछ ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं, मैं मेरे तरफ से जो है मैं यही सोचता हूँ, तो आगे वाले की सोच इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मेरे तरह सोचे, वो इम्पोर्टेंट मैं नहीं रखता हूँ। आई एम सो सॉरी आदिल, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी एज बिंग एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज दुनिया जानते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडर हूँ, और एक चीज़ से ना मैंने इनको बहुत टाइम पहले ना एक चीज़ से वार्न किया था कि आप लोगों पे ना विश्वास मत कीजिए, शायद आपको याद होगा। आई एम सो सॉरी, मैं ये चीज़ अभी बोल रही हूँ, मतलब दिस इज़ वेरी पर्सनल, और मैंने खुद सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अच्छा हूँ तो मैं समझता हूँ आगे वाला अच्छा, और मैंने इनको एक बार मैंने एक कार्ड देखा था अपने विश से और मैंने इनको ये कहा था, ये ना दिल के बहुत साफ इंसान है एंड ही इज़ किड फ्रॉम हिज हार्ट। सो आज मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ और मैंने इनको स्पेशली उस टाइम पर वार्न किया था कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, जिन पर विश्वास कर रहे हो, एंड दिस थिंग्स विल हैपन सून, और वो हुआ। तब भी इन्होंने पता मुझे क्या कहा था, यार मेरे कर्मा मेरे हैं, मैं अच्छा हूँ ना, ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करना बुरा थोड़ी है, मैं तो ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा आप एस्ट्रोलॉजर हो, क्या लगता है इन दोनों में किसकी जीत किसकी हार होगी? डेफिनेटली जीत आदिल की होनी है, बिकॉज अगर मैं कर्मा बेस पे भी देखूँ तो ही इज़ अ राइट। और एक बार मैंने इनका एक कार्ड देखा था जिसमें, वो कार्ड मैंने बहुत बहुत टाइम पहले देखा था जिसमें सब कुछ आदिल के फेवर में था, और मैं एक कार्ड आज भी देखना चाहूँगी जिससे हमें पता चले कि वॉट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ, इफ ही अलाउड्स मी, विदाउट हिज परमिशन आई कैन नॉट डू दैट। तो अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं एक बार आपका टैरो चेक करना चाहती हूँ इस टॉपिक को लेके। देखिए, ठीक है, खान दुरानी, मदर्स नेम मुमताज खानम,
आदिल किस टाइप का पर्सन है सबसे पहले ये चेक करते हैं, व्हाट इज हिज इनसाइड नेचर। एक कार्ड कोई भी आदिल आप लेफ्ट हैंड से पिक करो, ओपन द कार्ड। मेरे पास कार्ड आया डॉग का, ये मैं सब कैमरे के सामने दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे टैरो रीडर देखेंगे। एंड द डॉग इज़ द कार्ड ऑफ लॉयल्टी, बिकॉज जो डॉग की एनर्जी होती है वो हमेशा लॉयल्टी की तरफ होती है, हम सब जानते हैं राइट। कि हम कहते हैं ना डॉग पाल लो सबसे लॉयल होता है, तो ये आदिल का नेचर है। क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आदिल का नेचर कैसा है, और ये कार्ड मैंने नहीं निकाले, कोई सेटिंग नहीं की, सबने देखा। आदिल ने ये कार्ड खुद अपने हाथ से लेफ्ट हैंड से पिक किया, जो कार्ड नीचे गिरे थे हमने उसमें से एक कार्ड चूज किया। सो दिस इज़ आदिल का नेचर, ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन एंड ही ऑलवेज नीड लॉयल्टी। इसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम है कि इसको हमेशा हर इंसान से लॉयल्टी चाहिए होती, चाहे कोई भी हो उसके लाइफ में। सेकेंड थिंग, मेरे पास ये दो कार्ड आए हैं जो उसके लाइफ में अभी करंट पीक एनर्जीज पे चल रहा है। एक मेरे पास ये इंगेजमेंट का कार्ड आया है, अगर आप नीचे देखोगे तो ये कार्ड मेरे पास उल्टा था, मीन्स हिज मैरिज इज़ अबाउट टू एंड, ही नीड टू एंड हिज मैरिज। प्लस मेरे पास एक कॉफिन का कार्ड आया है कि जो सामने वाला है वो चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहा है। आदिल वॉन्ट्स टू एंड एंड द सेकेंड पार्टी, जो भी है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि शादी तो आई थिंक इनकी एक ही बार हुई है राइट। तो वो चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाह रही, ही वॉन्ट्स टू एंड। और इन तीनों कार्ड का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो आदिल रिलेशनशिप में लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इनके शादीशुदा लाइफ में नहीं थी। बिकॉज मेरे पास गर्लफ्रेंड का कार्ड नहीं आया, सगाई का कार्ड आया, रिंग आई है, तो वो उनको उस रिलेशनशिप में नहीं मिली। एंड द सेकंड पर्सन डोंट वांट टू एंड द थिंग्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्री कार्ड। अदरवाइज क्या कुछ कहेंगे आप, कुछ कहेंगे इस बारे में कि जो कार्ड निकला? क्या कहूं मैं, यू हैव टू कमेंट आदिल, मैं रीडिंग कर रही हूं तुम्हारी। अबाउट मी ओनली योर टेलिंग, यू आर टेलिंग द ट्रुथ। इज इट ट्रुथ? बिकॉज ऑफ कोर्स कहीं भी झूठ हो तो आप मुझे करेक्ट करना। ऑफ कोर्स इट इज। ठीक है, डन। आदिल आप एक क्वेश्चन पूछो मुझसे डायरेक्ट। मैं सब चीज़ें से कब बाहर आ जाऊँगा? ठीक है, एक नंबर चूज करो, 1 to 40। 22। यू आर लुकिंग मूविंग फॉरवर्ड, आपने 22 नंबर चूज किया राइट। इन्होंने नंबर खुद चूज़ किया था, मैंने नहीं बोला था कि आप नंबर खुद चुनो। 22 के पे मेरे पास आया क्रॉस रोड, चॉइस आपकी है। मींस आई टेल यू, 22 पे मेरे पास आया क्रॉस रोड, 21 यानी हम एक स्टेप पीछे जाते हैं लाइफ में, एक स्टेप पीछे स्ट्रगल है, एक चीज़ आगे कि धीरे 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 करके ना चीज़ें डैमेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ समटाइम वॉट हैपन ना, कि हम बहुत हर्ट होते हैं लाइफ में, तो हमारे जो हर्ट्स होते हैं ना वो हमें चीज़ों को ख़त्म नहीं करने देते।
बिकॉज मैं इस टेबल पे झूठ नहीं बोल सकती. आप होता है मुझे किसी ने चोट दी, मैं बहुत हर्ट हो गई हूँ. अब मैं उस हर्ट को कैरी फॉरवर्ड करके अपनी चीज़ों को आगे ख़राब कर रही हूँ. तो आपके पास दो रास्ते हैं, मेरे पास नेक्स्ट कार्ड माउस का, या तो आप धीरे धीरे करके चीज़ों को ख़त्म करो वरना ये और कुतरते जाएंगे. चूहे का काम क्या होता है? टू बाइट. एंड वो एकदम से आपके पहाड़ को नहीं गिराते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली डैमेज करते हैं. तो दिस इज़ द टाइम यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू लीव दिस चैप्टर एंड मूव फॉरवर्ड फॉर योर करियर which you are doing, but 90% your energy is in this one. So when you shift your energy, na, everything is energy, right? ये energy का game है. जिस दिन आप चीज़ को thought से निकालना छोड़ दोगे, example आप सोचोगे चलो मैं 4 घंटे अपने lawyer के पास जा रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ, अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, उस 4 घंटे की वजह से जिस दिन आप 1 घंटा lawyer के पास जाओगे, 3 घंटे अपने काम पर बैठोगे ना, आप इस problem से निकल जाओगे. मेरी बेटर 7 months की. मैं कैमरे के सामने मैम यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ये तो चलो अपने प्रॉब्लम निकलने के लिए 1 घंटा कर लें, आप जैसे आपने कहा जी कर ले, लेकिन सामने वाला इनको इतना टॉर्चर कर रहा है कि वो 4 घंटे के बाद 6 घंटे हो रहे, उसके लिए क्या करें? ये हमारे ये भी चीज़ हमारे ऊपर होती है. मैंने क्या बोला ना, हमारे हर्ट्स इतने होते हैं कि हम उन हर्ट्स को कैरी करके चलते हैं और चीज़ों को कई बार वाइंड अप नहीं कर पाते विद इन. जब तक आप विद इन नहीं एंड अप करोगे. नहीं मैं चाहता हूँ छोड़ने के लिए, मैं चाहता हूँ हट जाए सब चीज़ें, सामने वाला बार बार कुछ ना कुछ एलिगेशन. आप 3D वर्ल्ड में बात कर रहे हो ना, मैं 5D वर्ल्ड में टैरो की रीडिंग में बात कर रही हूँ. जब जिस चीज़ को आपको छोड़ने की अंदर से चाहत होती है ना, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है. आपको चोट लगी है, अब आपको दर्द हो रहा है, या तो आप उसे बैंडेज करोगे राइट उसको ठीक करने के लिए, या आप उसे रोज़ बैठ के ऐसे देखोगे मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी, व्हाट आई डू, व्हाट यू गेटिंग माय पॉइंट. तो आपको एनर्जी वाइज उस चीज़ को लीव करना होगा यूनिवर्स के ऊपर. सरेंडर कर दो, 7 months यू विल बी आउट विद दिस प्रॉब्लम. जो मेरे पास आंसर है 7 months when he start living. देखो कोई भी चीज का रहता तो एक दिन में फैला नहीं है, तो एक दिन में समेट के जा सकता. जब ये कुछ काम करता तब से 7 महीने, अदरवाइज तो देखिए क्या होता है ना, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर आपकी करंट एनर्जी पे प्रिडिक्ट करते हैं राइट. इनकी जो भी करंट एनर्जी मैं वो बता रही हूँ, ये कोई जादू नहीं है कि मैं लिखा हुआ इनका बता सकती हूँ. अगर आज मैं फास्ट फूड खाऊंगी डेली पिज़्ज़ा और सब कुछ, तो मेरा कल पेट बाहर आना ही है. अगर मैं आपको बोल दूँ नहीं आप 6 महीने बाद स्लिम हो जाओगे, बोलेंगे हाँ चलो ठीक है मैं डेली बैठ के पिज़्ज़ा खाऊंगा, कांट पॉसिबल. आई कैन गाइड यू, फॉलो करना आपकी चॉइस है. इफ़ यू फॉलो दैट पाथ डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स. And I'll tell you later on, not front of her, how you come out of this. I'll give you some remedies. So to come out of this, ठीक है? एक last card निकालते हैं. होगा क्या? That was a question, right? आदिल आप एक कोई भी कार्ड लेफ्ट हैंड से पिकअप कीजिए अपने हाथ से, जो आपका मन है. क्या है? डेवोस. हार्ट का कार्ड है मेरे पास, ठीक है? हम ऐसे बैठे हैं, आपकी तरफ से स्ट्रेट कार्ड है, बट मेरी तरफ से उल्टा उल्टा कार्ड है. डेफिनेटली दिस डिवोर्स विल हैपन एंड दिस चैप्टर विल क्लोज एंड थिंग्स विल गो इन हिज फेवर. मे भी कब तक हो जाएगी, सब कुछ प्रेडिक्ट हो सकता है कि वो हमारे हाथ में है, वो तो कह रही है. आपके हाथ में नहीं है वो, ठीक है? पता नहीं. हाँ, 7 months मैंने आपको टाइम दिया राइट, तो जब ये कोशिश करेंगे तब तभी कोशिश करेंगे ना. ऑल टुगेदर देखो, अभी मैं मीडिया के सामने बोलूंगी इतना टाइम नहीं, वो आपको क्यों सवाल कर रहे हैं, बेचारों को उनको भी बहुत फिक्र है. देखिए मैं कब निकल जाऊंगा, कब हमारा भाई निकल जाएगा. सच आंसर दूं मैं अभी यहाँ पे मीडिया के सामने, मुझे पता है ये कब निकल जाएंगे. Okay. मैं यहाँ बोल दूंगी इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. Okay. आप समझ रहे हो? यस यस आई नो. तो मैं इनकी जिंदगी में ना एज अ स्पिरिचुअल या एज अ दोस्त, बिकॉज ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इनकी लाइफ में ना बवाल नहीं बढ़ाना चाहती. क्यों? क्योंकि जिसने प्रॉब्लम फेंकी है, अब उनको पता चलेगा अच्छा आधे 1 साल में फ्री होने वाला है, तो उनके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा लाइफ में. उखाड़ा गया है मतलब कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा ज़िंदगी में. और इसमें मैं एक मतलब यहाँ पंगे कर दिए, वहाँ पंगे कर दिए, वहाँ सुपरमैन बन गई, इनकी ज़िंदगी में डायनासोर बन गई. तो मतलब यू अंडरस्टैंड ना, अभी मैं बोल दूँगी, मुझे मुझे एक्चुअली पता है कि कब तक प्रॉब्लम में आ जाएंगे.
मैं यहाँ बोलूंगी, वहां बैठ के वो देखेंगी, वो बोलेंगे अच्छा ये प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, चलो एक बम तैयार करते हैं, फिर एक मिसाइल तैयार होकर इनके ऊपर छोड़ दी जाएगी, तो उसमें हम सब क्या करेंगे? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट में उनको पता है, बिकॉज हम सब चाहते हैं प्रॉब्लम से निकल जाए, दैट इज ट्रूथ। तो कुछ चीज़ें सीक्रेट रख के और उनको हेल्प करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम से निकल जाए। एम आई राइट और नॉन्ग? तो दिस इज़ अ रीज़न मैं मीडिया के सामने वो एक एक्यूरेसी नहीं बताना चाहती, ताकि एक मिसाइल और बेचारे पे ना झूठ जाए। हाँ जी, जीतेंगे तो आदिल भाई या फिर 100%, बट वन कंडीशन, इफ ही विल फोकस ऑन हिज करियर। मैं एक बात बोलूँ, जीतना मेरे फेवर में क्यों होगा, एक किसी भी इंसान के फेवर में क्यों होता है? आप सत्य से लड़ो, सच बोलो और जो है फैक्ट पे लड़ो, तभी आपकी जीत होगी। अगर आप टेढ़े मेढ़े काम करोगे तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप फंसोगे। और आदिल, आपको भी थोड़ा दिमाग से इस चीज़ में चलना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ना, आप अपना ऐसे दिल खोल के रख देते हो। देखो, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ मैं लॉयल हूँ, मैं लॉयल्टी सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे इंसान से। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयल्टी एक्सपेक्टेशन, आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो, आप हर जगह घर नहीं हो सकता ना आपका, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। दिल से आप लॉयल हो, आप अपना कर्मा कर रहे हो, बट साथ में ये भी तो यूज़ करो ना, कहीं भी जाके कुछ भी किसी से बात करोगे, किसी से भी रिश्ते बना लोगे, क्या ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा, ऐसी राखी का क्या फ़ायदा बताओ मुझे, जो एक दिन के ना हो। ऐसी ऐसा सगा भाई भी हो ना तो मैं उसे वो कर दूँ, क्या फ़ायदा ऐसी राखी का मुझे बताओ। एब्सोल्युटली, आप नाम के लिए मीडिया में शोशा के लिए कि चलो आदिल के साथ में राखी बांध के वो आ गए, बाद में क्या उस राखी की क्या इज्जत रखी उन्होंने, सब छोड़ो, मैं कहती हूँ आदिल की छोड़ो, आप उस राखी की क्या इज्जत रखी है आपने, आपने मतलब एक राखी का साथ देने के लिए दूसरी राखी का रिश्ता ही तोड़ दिया। सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली, एक राखी का साथ देने के लिए आपने राखी का रिश्ता ही तोड़ दिया, तो आप किसके सगे हो भाई, आप किसी के सगे नहीं हो, तो मत बनाओ रिश्ते। सोशल मीडिया के सगे हैं, सोशल मीडिया के भी कहाँ सगे हैं, सोशल मीडिया में होता है कि आप अपनी पब्लिक को ना कुछ अच्छा दिखाओ। आई स्वर, मैंने कुछ चीज़ें नहीं देखी थी, मैं भी गणपति जी बैठे मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, तो वो तो सोशल मीडिया के लायक भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू बैठे हुए हैं, और मैं नीतिमा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे पहले तो एक भाई बहन का बाप बेटी का रिश्ता है, तो मेरे लिए तो बेटी है, यहाँ भाई बहन का रिश्ता हम लोग निभाने आ गए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा कि गणपति की पूजा में आप इतनी बड़ी मीडिया आई है, तो मैं यही कहूँगा कि गणपति बापा हम सबकी परेशानियाँ दूर करें, और आप लोगों का प्यार यूं ही हम लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। अच्छा, आदिल जी भी आ जाए सर, क्या कुछ नहीं, आदिल साहब को यही कहूँगा कि बस बढ़िया बढ़िया काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अजी भाई, क्या कुछ कहेंगे सर? कहूँगा स्पेशली रिधिमा जी को, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। यहाँ पर मेरे दो बड़े भाई है, अपना दिलीप सिंह जी है, आदिल जी है, और गणपति का एक ऐसा त्यौहार है कि ये नौ दिन जो है वो खुशियाँ बहुत बांटी जाती है। ये एक मौका है कि आपको जो भी गणपति बप्पा से मांगना है आप दिल खोल कर मांगिए, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए हो, चाहे दुश्मनों के लिए हो। तो हम सबके लिए एक अच्छी दुआ मांगते हैं कि ऊपर वाला सबको बहुत खुशियाँ दे, बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, और आपस में भाईचारा और प्यार हमेशा बना के रखें। एंड रिधिमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। क्वेश्चन आ गया दिमाग में, सॉरी जी, बोलिए। आदिल के दुश्मनों के लिए क्या दुआएं मांगना चाहेंगे? मैं ये दुआ मांगना चाहूँगा कि गणपति बप्पा, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और समझने की अक्ल दे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इस दुनिया में लड़ाई के अलावा आगे बहुत सी खुशियाँ, सुख, चैन और अच्छी ज़िंदगी पड़ी है, उसकी तरफ ध्यान दे कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना भी है और मैं चाहूँगा आप सब लोग भी इनके लिए, क्या सबके लिए यही प्रार्थना करें। सर, क्या कुछ देखिए, आज देख रहा हूँ कि सॉरी बट जाते जा रहा हूँ, मुस्लिम लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, ये धर्म की बात नहीं, यहाँ पे जात की बात नहीं, यहाँ पे गणपति बापा सबके लिए हैं। आदिल भाई, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भाई बहन हैं। देखो जैसे आप स्कूल से स्टार्ट करते हो, स्कूल में पढ़ते हो तो सब लोग हम मिलके पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर दोस्त के साथ हम रहते हैं, और हम एक ऐसे देश में रहते हैं सबको हमको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमको ज़रूरी। देखो वो ईद में वो भी तो आते हैं, ईद ईद की नमाज पे आते हैं, उसके बाद घर आते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, तो उससे वो जो भी हो हमारे साथ आते हैं, जब ईद होते हैं तो सामने से फ़ोन करके भी आते हैं, ईद में गिले करते हैं तुमने ईद में नहीं बुलाया, तो गणपति के दर्शन के टाइम में वो हम भी कॉल करके आए ना, जब इतना प्यार दे रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके त्यौहार पर आए, उनके साथ सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें। कैसे जो जाति धर्म जो है वो लोगों का बनाया हुआ है,
राइट इंसानियत, और अगर आप देखोगे तो सारे धर्म से बढ़कर इंसानियत है। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल पिछले 5-10 सालों से हम गणपति के त्यौहार ये 9 दिनों के अंदर 100 से 150 मंडल में जाते हैं, घरों पे तो उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो अगर आप किसी भी भगवान से मांगो, आप किसी भी ईश्वर से मांगो, अल्लाह से मांगो, आपकी दुआ कबूल और आपकी नियत है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके। और यही तो एक मौका होता है कि यू नो जो हम लोग हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ होते हैं कि भाई ये जाति भेदभाव ना करें, तो ये एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का, भगवान के ज़रिए एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इसी तरह अगर हम आगे निकल कर अगर सब आएंगे तो मुझे लगता है कि जो लोग ये 1% या यू नो 0.% लोग जो बचे हैं उनका ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी और हम सब लोगों के लिए ईद, दिवाली, गणपति, क्रिसमस सब एक हो जाएगा। और रही बात रिधिमा की, अभी देखो वो कहीं भेदभाव कर रही है, बैठी है, मेरा टायर रीड कर रही है, और किसी के बारे में भी किसी का अब स्टैंड भी ले रही है तो सो समझ के स्टैंड ले रही है। जब ये चीज़ में रिलीजन नहीं है तो रिलीजन को क्यों आप खेलना चाहते हो या रिलीजन को मुद्दा बनाना चाहते हो। मैं एक लाइन कहूँगा, आप समझदार हो समझ जाओगे, जब आपको रिलीजन में आपको क्रिश्चियन बनना है आप क्रिश्चियन बन जाते हो, हिंदू बनना है हिंदू बन जाते हो, जब आपको मुसलमान बन जाना है मुसलमान बन जाते हो। ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता नहीं है। और ये सब तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप समझो ना, जब आप माँ के पेट से बाहर निकलते हो ना, अगर मुस्लिम बच्चे को हिंदू को दे दिया, हिंदू कोई पालेगी फैमिली ना, और उसको पता होगा कि मेरा नाम क्रिश्चियन है तो वो उसी संस्कारों को फॉलो करेगा, राइट। और अगर किसी हिंदू बच्चे को मुस्लिम को दे दिया जाए तो उसी कल्चर को फॉलो करेगा। तो कल्चर तो अर्थ के है ना, सब कुछ यहाँ बनाया, ऊपर वाले ने थोड़ी बना के भेजा, वहाँ पर भेदभाव थोड़ी ना। एंड में हम ये बोलना चाहेंगे, हमारे सारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सारे मुस्लिम भाई, हमारे सारे हिंदू भाई और जितने भी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबको हम सबकी तरफ से इस पूरे परिवार की तरफ से गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। योर के गणपति को बहुत अच्छे से इंजॉय करिए, सेफ रहिए और सबके लिए अच्छी दुआ करिए। थैंक यू।